हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और उसका जो रिजल्ट का फार्मूला है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। क्लास टेंथ के जो स्टूडेंट हैं, आज उनके विषय में हम बात करेंगे कि वे कैसे जाने कि उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं इस साल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। ये बिल्कुल नए फार्मूले के अनुसार है, क्योंकि नया फार्मूला जो यूपी बोर्ड का है टेंथ के लिए वो है 50-50 फार्मूला। अब 50-50 फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि 50% अंक उन्हें 9th एनुअल एग्जाम से मिलेंगे और प्री बोर्ड एग्जाम में भी 50% अंक आपको मिलेंगे 10th वाले छात्रों को यूपी बोर्ड के। तो इस प्रकार उन्होंने अपना फार्मूला तैयार किया है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि आप कैसे जाने कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आप भी ऐसे निकाल सकते हैं कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप 9th एनुअल जो एग्ज़ाम, ऐसे आप एक सारणी बना लीजिए जिसमें आप एक तरफ लिख लीजिए 9th एनुअल और वहाँ पर सब सब्जेक्ट लिख लीजिए। अब प्री बोर्ड में भी आपको सभी सब्जेक्ट लिख लेना है और इस प्रकार आपको चार्ट बना लेना है। अब आप क्या करेंगे कि आपको ऐसे हिंदी में जैसे आपने लिखा 9th एनुअल में, तो 9th के वार्षिक परीक्षा में आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं हिंदी में, तो उस आधार पे आप नंबर लिखेंगे। तो कुल नंबर, कुल जो परीक्षा होता है वो कितने अंक होता है, 100 अंक, 30 नंबर प्रैक्टिकल और 70 नंबर लिखित परीक्षा होता है। आपने कितने अंक प्राप्त किए हिंदी में, आपने पाया 100 में 85 नंबर, यानी कि बार बार 100 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 85 में लिख देता हूँ। अब आपने इंग्लिश में यदि 100 में 75 नंबर प्राप्त किया 9th एनुअल में, अब आपने मैथ में कितने अंक प्राप्त किए, 70 नंबर मान रहा हूँ मैं, आप जितना अंक प्राप्त किया उतना ही लिखिए। साइंस में आपने 90 अंक मान लिया प्राप्त किया और सोशल साइंस में आपने 85 अंक प्राप्त किया और संस्कृत में आपने यदि 90 अंक प्राप्त कर लिया, तो इस प्रकार आप अपना अंक लिख लीजिए। हम बात करते हैं प्री बोर्ड की। यदि आपने प्री बोर्ड में अपने हिंदी में प्राप्त किया है 100 में 85 नंबर, मतलब कि जैसे आपने वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया था 9th के, और इंग्लिश में आपने प्राप्त किया है 100 में 90 नंबर, अब मैथ में आपने कितने नंबर प्राप्त किया है, 100 में 80, और साइंस में आपने कितने अंक प्राप्त किया है, 75 नंबर। जैसा कि मैं अपने एक अनुमान के आधार पर लिख रहा, आप अपना नंबर जो भी पाए वो लिख लीजिए। अब आपका सोशल साइंस में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 85, और संस्कृत में आपने माना 94 अंक प्राप्त किए हैं, तो अब आप इसे भी लिख लीजिए। अब आपने एनुअल एग्जाम और प्री बोर्ड का नंबर लिख लिया। अब हिंदी में अब आपको बोर्ड एग्जाम के नंबर पे पहुंचना है, तो अब हम बताते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम का नंबर कैसे लिखेंगे। तो इसे लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो 9th एनुअल में मिला है और प्री बोर्ड में सब्जेक्ट में आपको जो जो नंबर मिले हैं उन दोनों का आप जोड़ लीजिए, उसका हाफ कर लीजिए। जैसे कि आपको हिंदी में 9th एनुअल में कितने नंबर मिले हैं, 85, और हिंदी में आपको प्री बोर्ड में कितने नंबर मिले हैं, 85, तो आप इसे जोड़ ही सकते हैं। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा 85 और 85 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है देख लीजिए। 85 और 85 जोड़ने 5 5 10 0 आता है 8 और 8 8 16 17, 170 नंबर आपको इस प्रकार प्राप्त हो रहा। तो अब आप 170 यहाँ लिख लीजिए और 170 को कर दीजिए हाफ। अब हाफ करने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा, 2 8 16 5 10, इस प्रकार आपका जो नंबर हो रहा हिंदी में वो 85 ही हो रहा। अब आपको इंग्लिश में देखना है, तो इंग्लिश में आपने 9th एनुअल में प्राप्त किया 75 नंबर और प्री बोर्ड में प्राप्त किया 90, तो 75 और 90 जोड़ लीजिए। जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा, 5 7 7 14 2 16, 165 नंबर प्राप्त हुआ। तो आपको कितना नंबर प्राप्त हो रहा, 82 नंबर आपको मिल रहा, इस प्रकार 82 नंबर इसमें। अब आपको मैथ में देखना है, तो मैथ में आप कितने नंबर प्राप्त किया है कैसे जानेंगे, तो मैथ में आपने 9th एनुअल में प्राप्त किया था 70 और प्री बोर्ड में प्राप्त किया था 80, तो 80 70 जोड़ने पर 150 और उसका आधा कितना हो रहा, 150 का आधा हो रहा 75। अब आप लिख सकते हैं सोशल साइंस में आपने 9th एनुअल में प्राप्त किया था 85 नंबर और प्री बोर्ड में प्राप्त किया था 85 नंबर, तो 85 85 जोड़ने पर कितना आएगा,
तो आया था 170। 170 में यानी कि चिन्ह नंबर 170 का आधा चिन्ह होता है, हम सीधे कर लेते हैं, 2 8 16 और 2 5 10 85 नंबर इसमें भी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी आप 85 लिख लीजिए। साइंस में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, साइंस में आपका 90 नंबर 9th एनुअल में और 75 नंबर प्री बोर्ड में। तो 90 और 75 जोड़ने पर कितने आएंगे, तो 90 और 75 जोड़ लेते हैं, 5 और 7 7 14 15 16, 165। 165 का हाफ करने पर कितना प्राप्त होगा, 82। दशमलव में कुछ आएगा तो दशमलव लेने कोई ज़रूरी नहीं है, 82 नंबर आपको साइंस हो गया। अब संस्कृत में आपको कितना, 94 और 90 जोड़ने पर कितना आएगा, 184, यानी कि टोटल 92 नंबर आपको संस्कृत में मिल जाएगा। इस प्रकार आप इस सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 496 नंबर पूरा टोटल मिलेगा चिन्ह में 600 में। तो आप 496 का प्रतिशत निकालने के लिए केवल आपको 6 से भाग कर देना होता है, तो आपके पास कुछ 82% का आपको आपका दिखाई दे रहा। तो आशा आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अधिक से अधिक वीडियो को आप अपने ग्रुप में फैला दीजिए जिससे सभी छात्र अपने आंसर जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चलिए गुड बाय।